हेलो दोस्तों, मैं माला चटी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बूंदी, मतलब 15 अगस्त आ रहा है तो बूंदी की लड्डू तो चाहिए चाहिए, तो मैंने आज बना के आपको दिखा दूँगी। फिर आप बनाएंगे, बना करके मुझे बताएंगे और ट्राई कीजिए। पहले ट्राई कीजिए, घर पे ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी, घर में थोड़ा बहुत कुछ बनाना है। ओके, तो देखिए मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, देख लीजिए। उसको मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगा के रख देना है। और आधा कप मैंने बेसन लिया है और आधा कप मैंने पानी देना है। ये देखिए, आधा कप करीब मैंने पानी देना है इसमें। अब ये लिया मैंने, अब इसको धीरे धीरे करके मिलाती रहूंगी। ओके, अब धीरे धीरे करके इसको मिलाते हुए देखना है कि ये कितना इसमें पानी चाहिए। ओके, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मिलाऊंगी, पहले थोड़ा थोड़ा मिला करके, पहले शुरू से पतला, बहुत पतला नहीं बनाना है। पहले इसका इसमें गुठलियाँ ना रहे, ऐसा करके इसको पहले फेंट लेना है अच्छी तरह से। देखेंगे कैसे आप, ये हो गया है, ये अभी बहुत ही गाढ़ा है ना, ये चम्मच के पीछे से ही देखना पड़ेगा। ये मैंने 1/2 कप हो गया, देखिए 1/2 कप मैंने लिया है, उसका भी 1/2 हो गया है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मिलाना है। अभी भी गाढ़ा है, ऐसे ही मैंने थोड़ा सा लिया है, केवल थोड़ा और थोड़ा सा जाएगा। ये देखिए अब ये हो गया है, कैसे कैसे कि ये देखिए ये हो चला है, ये देखिए बस ऐसे इतना ही चाहिए हमें, ऐसे दाग हो जाए ना बस, इसका मतलब इतना ही गाढ़ा मुझे चाहिए। बहुत पतला हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए मेरे 1/2 कप से भी 1/2 कप लगा है पानी। ओके, मैं अब थोड़ी देर बाद आके ये देखिए थोड़ा सा मैं कलर दूंगी इसमें। थोड़ा सा मैं इसमें ये दूंगी सोडा बाइकर है, ये मेरा ख़त्म हो चला है, थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा, पिंच, 1 पिंच, ये देखिए इतना, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा चला गया, ये बस
সব দিন আর চলে না, চলে গেছে। ये दूध की थैली ली है मैंने। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे को बना के आ रही हूँ। ये देखिए इस तरह से लिया मैंने और इस तरह से ये देखिए कि आप देख पा रहे कि नहीं। ये देखिए एक एक दाना, ठीक है, एक दाना।
ये देखिए ये इस तरह से मैंने सारे को बना लेना है। बना करके फिर मैं आ रही हूँ। अब देखिए ये देखिए ये देखिए एकदम पास से देखे। ओके तो अब मैं सारे को बना करके फिर आ रही हूँ। ये देखिए ये बूंदी है बिना झाड़ी की, बिना झाड़ा का। जिसके पास झाड़ा नहीं है वो क्या करेगा, दूध की थैली तो होगी घर में, उसी से धीरे 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 हिलाते हुए, बस मैंने दिखा दिया आपको, उसी तरह से आप बूंदी बना करके लड्डू बना सकते हैं। ओके अगर लड्डू बनाने के लिए थोड़ा चीनी ज़्यादा लीजिए, मैंने तो केवल बूंदी बनाना है तो इसलिए मैंने ज़रा सा हल्का मीठा में ज़रा सा बनाया है। ओके तो ये रस मेरा था, ये गुलाब जामुन का रस वो था, उसमें चाशनी है तो इसी में मैं इसको, गुलाब जामुन की तो गाढ़ी चाशनी होती है, तो इतना ही था बचा, मैंने थोड़ा सा दे करके आपको दिखा दिया। नहीं तो एक कप बेसन तो लिया नहीं मैंने, आधी कप बेसन लिया है तो आधा कप चीनी का रसा वो सीरा चलेगा। ओके तो इसमें अब मैं दे दूँगी इसको, ज़रा सा गर्म बैठा दिया है मैंने, थोड़ा सा गर्म चाशनी में इसको डाल दूंगी। ये फूल जाएगा, फिर चाशनी में फूल जाएगा। मेरा थोड़ा सा दिखाना था बिना झाड़े का, क्योंकि सबके घर में झाड़ा और ये बूंदी का जो झाड़ा होता है वो तो रहता नहीं है, तो बिना झाड़े का ही बन जाता है बूंदी, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखा मैंने आपको, बना के दिखाया। अब इसको मिलाना है, थोड़ा ही सा चाशनी बचा था मैंने बिना झाड़े का ही बना दिया। मेरे पास भी झाड़ा नहीं है, मैं कोन से ही बनाती हूँ, कोन तो इस समय है ही नहीं, घर में छूट गया है, तो मैंने दूध की थैली से ही बना रही हूँ, मतलब बनना है तो इसको भी अब इस चाशनी में मैं ज़रा सा खोला दूँगी, एक दो खोल हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। अब इसको गर्म होने तक मुझे वेट करना है। ओके ये देख लीजिए मेरा दाना एकदम फुल फुल के एकदम, बस अब इसको मैं थोड़ी देर बाद आके देखूंगी। ये इसमें थोड़ा सा मैंने मगज दे देना है, ये मगज को मैंने घड़ी पे बनाया है, बस थोड़ा सा मगज दे दिया मैंने, बस अब थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ी सी इलायची का पाउडर, थोड़ी सी इलायची का पाउडर दे दिया मैंने, बस अब थोड़ी देर बाद आकर के मैं आपको दिखाऊंगी कैसा हुआ। ये गैस बंद कर दे रही हूँ मैं।
अब थोड़ी देर बाद आकर के आपको दिखाऊंगी। ये खिल खिल गया एकदम। बिना झाड़े का बूंदी।